देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर आदि पर किसानों को मिल रही सब्सिडी, इस तरह आवेदन कर ले सकते हैं लाभ। डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशि का सरकार करेगी भुगतान, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया खास ऐप, किसानों की हर समस्या का मिनटों में मिलेगा समाधान। कृषि के कामों को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में किसानों को मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर और चीसल प्लाऊ पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास केवल 4 दिन का समय बाकी है। ऐसे में प्रदेश का जो भी किसान अनुदान पर इन कृषि यंत्रों को लेना चाहते हैं तो 29 नवंबर तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त किए गए आवेदनों में से लक्ष्य के मुताबिक 30 नवंबर को लॉटरी के जरिए किसानों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित किए गए किसानों की सूची को दोपहर करीब 3 बजे तक पोर्टल पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों को अलग अलग योजनाओं की तरह कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो कि 40-50% तक है। राज्य में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। इसमें अभी कृषि यंत्र चीसल प्लाउ के आवेदन के लिए डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। तो वहीं मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एक्सेल फ्लो पैडी थ्रेशर के लिए 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाना होगा। ये डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से होना चाहिए। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। खेती के कामों के लिए देश भर में किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं, ये सोच कर कि उन्हें फसल की अच्छी पैदावार मिलेगी और फायदा होने पर वो बैंक का कर्ज चुका देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और फसल नुकसान के चलते किसान बर्बाद हो जाते हैं। बैंकों का कर्ज भी इसी के चलते वो नहीं चुका पाते। ऐसे में बैंक द्वारा ऐसे किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है और उन्हें नया लोन नहीं दिया जाता। मगर ऐसे किसानों को राहत देते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, यानी कि सरकार की ओर से बैंक द्वारा डिफॉल्टर किए गए किसानों के ऋण पर ब्याज की रकम चुकाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं तो उन्हें दर्ज करके 10,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि का अधिग्रहण होगा और गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का काम भी किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीते गुरुवार को किसानों के लिए खास मोबाइल एप्लीकेशन बॉब वर्ल्ड किसान को लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को न सिर्फ बैंकिंग संबंधित जानकारियां हासिल होंगी बल्कि ऐसे कई कामों को करने में आसानी हो सकेगी जिसके लिए किसानों को बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। दरअसल बॉब वर्ल्ड किसान ऐप एक ऐसा मंच है जो किसानों को फाइनेंसिंग, बीमा और निवेश से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराता है। साथ ही समय के साथ कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से डिजिटल बनाने में भी मदद करता है। खास बात यह है कि इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे ही मंडी भाव मालूम कर सकते हैं और साथ ही इस ऐप के द्वारा किसानों को मौसम से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। वहीं अगर किसान चाहे तो बॉब वर्ल्ड किसान ऐप के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कदम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। किसानों को फसलों में लगने वाले रोग से बचाव करने के लिए सरकारी ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वो इस ऐप के द्वारा ही इसका समाधान ढूंढ लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से किसान खेती करने के लिए उपकरणों को भी किराए पर ले सकते हैं। किसानों को उचित सेवा पहुंचाने के लिए बैंक ने एग्रीबेरी, एग्रोस्टार, बिगहार्ट, पूर्ति, EM3 और स्काईमेट जैसी 6 कृषि कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है। आपको बता दें कि फिलहाल इस ऐप को 3 भाषाओं यानी कि अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच कच्चा पाम तेल और पामोलिन का आयात खुला होने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सीपीओ और पामोलिन तेल के दाम में मामूली सुधार आया है। कम आपूर्ति के कारण थोक और खुदरा बाजार में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल आयात के भाव के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे पर बिक रहे हैं। जाहिर है कि हल्के तेल की कमी की वजह से सोयाबीन दिल्ली इंदौर और बिनौला तेल की कीमतों में भी सुधार देखा गया है। मदर डेयरी द्वारा दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक में भी लोगों के लिए दूध दही महंगे हो गए हैं। कर्नाटक दुग्ध संघ ने नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई कीमतें बीते गुरुवार से जारी भी हो चुकी हैं। केएमएफ के प्रबंधक निदेशक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि स्पेशल दूध शुभम समृद्धि और संतृप्ति और दही समेत दूध की 9 किस्मों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉलीहाउस शेडनेट हाउस और उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए पूर्व में 12 जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन 6 जिलों से किसी भी तरह के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने दोबारा लक्ष्य जारी किए हैं। जारी लक्ष्य के मुताबिक अब भोपाल, नरसिंहपुर और दतिया जिलों के सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना तैयार की है। इसके तहत किसानों को बिजली के बिल पर सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों पर बिजली के बिल की मार ना पड़े। राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 1,000 रुपए यानी कि 1 साल में 12,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ताजा खबर के मुताबिक देवरिया जिले में पराली जलाने वाले 9 किसानों के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। विभाग ने उन किसानों को नोटिस जारी किया है, जिसके चलते अब न केवल इन किसानों को नियमों के अनुसार जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहना पड़ेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।